प्लीज वेलकम अनीश बज्मी, कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट। कृति ने साउथ में तो अलग अलग तरह की फिल्में की हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में ज्यादातर आपने कॉमेडी फिल्म्स काफी की हैं, जिसकी मतलब यमला पगला दीवाना हो गया, गेस्ट इन लंदन, शादी में जरूर होना, हाउसफुल 4, अभी पागलपन, उसके बाद बार बार हमारे शो पे आ रही हैं। तो आपका मेन मकसद अगर इसी शो पे आना है तो आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमें एक्चुअली ओरिजिनल लड़की देखे कई साल हो गए। अनीश भाई, आपके बारे में सुना है, जैसे इंटरव्यूज में देखते हैं हम लोग, कि आप अक्षय पाजी को, अजय देवगन साहब को और सलमान भाई को फोन पे 10-5 मिनट में स्क्रिप्ट समझा के उनसे साइन करवा लेते हैं, तो सच्ची में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि आपके पास उनके कोई वीडियोस हैं? एक्चुअली पागलपन थी अनिल कपूर, नो मैन मोर इनसेन देन अनिल कपूर, आई एम द बेस्ट। फिल्म में एक डायलॉग है जी कि शनि इनके पीछे ही नहीं पड़ा हुआ, इनकी गोद में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। ये सवाल सबके लिए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको उस दिन लगा हो कि यार शनि हमारे पीछे पड़ गया? मेरा शनि बहुत अच्छा है। आपका तो शुक्र भी बहुत अच्छा है, आपको पता ही नहीं। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की है, अनीश भाई की हर फिल्म में तकरीबन अनिल सर होते हैं, तो सर जब तक इनकी फुटेज नहीं दिखाते सेंसर वाले पास नहीं करते क्या? अनिल सर आपको हर फिल्म में कास्ट करते हैं वैसे, अनीश भाई आपके पास इनका कोई वीडियो है? हर्षद भाई, आपकी जैकेट कल से मुझे इतनी प्यारी लग रही है, दिल कर रहा है इसको निचोड़ के ना नींबू पानी बना के पी जाओ। कपिल लुकिंग सो हॉट। हां, ठीक है, ठीक है। और ठोको ताली।